नमस्कार, डू इट योरसेल्फ इंस्पिरेशन में आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज मैं आपके लिए ये मिश्रण लाई हूँ कपकेक आइसक्रीम और ओरियो बिस्किट्स का। ये बहुत स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत आसान। इसके लिए आपको चाहिए वनीला आइसक्रीम, ओरियो के बिस्किट्स और मफिन्स का ऐसा आकार। ये कैसे बनता है मैं आपको दिखाऊंगी और सामग्री भी नीचे इन्फो बॉक्स में लिख दूंगी। इसके लिए आपको चाहिए ओरियो बिस्किट्स। मैं एक बिस्किट बुनियाद के तौर पर लेती हूँ एक कप केक के लिए, तो आपको ऐसे 6 बिस्किट्स चाहिए और मैं 6 कप केक्स करूँगी। 2 टूट गए हैं, वो मैं इसमें आइसक्रीम में, इस वैनिला आइसक्रीम ली है मैंने, इसमें बाद में डाल दूँगी टुकड़े करके। आप दूसरे स्वाद का भी आइसक्रीम ले सकते हैं और पुदीना के आइसक्रीम भी ओरियो बिस्किट्स के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। और ये जो छोटे बिस्किट्स हैं, 6 बिस्किट्स में बाद में कपकेक्स पे सजाऊंगी। तो अब ये टुकड़े किए हुए बिस्किट्स में इसमें डालती हूँ और इसे अच्छे से घुमा देती हूँ एक सा करने के लिए। ये मिश्रण मैं इसमें डालूंगी। और कपकेक्स को अब मैं ये मिश्रण ऐसे कपकेक्स में इसके ऊपर डालूंगी इस तरह से। अब जैसे मैंने बोला था, ये छोटे जो ओरियो बिस्किट्स है सजावट के लिए मैं ऊपर से आइसक्रीम में रख रही हूँ इस तरह से। और कपकेक्स को ठंडा करने के लिए फिर आधा या एक घंटा आप फ्रिज में रख दें। ये हो गया, ऐसे दिखते हैं ये कपकेक्स ठंडे होने के बाद। आप इसे ये आकार ऐसे निकाल सकते हैं और इसे आप डिश में रख के सर्व कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने दिखाया ऐसे भी, इस आकार के साथ भी आप इसको रख सकते हैं। तो मुझे लिखिए कि आपको ये कल्पना कैसी लगी। ये बहुत ही मिश्रण अच्छा है खाने के लिए। मुझे बताइए ये कल्पना आपको कैसी लगी। आप इसे दूसरी आइसक्रीम के साथ भी बना सकते हैं या फिर फल से भी बना सकते हैं। और कमेंट्स में लिखिए अगर आपके पास और भी कोई दूसरी कल्पनाएं हैं। अगली बार ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।